मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो ने एक बार फिर भारत को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। चीन से समझौते के बाद मुइज्जो ने भारत और भारतीय सैनिकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 मई के बाद किसी भी भारतीय सैनिक को मालदीव में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी, फिर चाहे वो सादे कपड़ों में ही क्यों ना हो। भारतीय सेना मालदीव में नहीं रहेगी, फिर चाहे उन्होंने कोई भी वर्दी पहनी हो। मुइज्जो का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब मालदीव के साथ चीन ने एक नहीं बल्कि दो सीक्रेट डील साइन की है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि मालदीव और भारत के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में मुइज्जो का ये बयान आग में घी डालने जैसा है। रिपोर्ट्स की माने तो मालदीव सरकार ने चीन के साथ डील ऐसे समय पर साइन की है जब मुइज्जो ने भारत के 85 सैनिकों को मालदीव छोड़ने का आदेश दिया है। इन समझौतों को चीन और मालदीव के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में एक नए चैप्टर की शुरुआत माना जा रहा है। इन समझौतों पर मालदीव के रक्षा मंत्री घसान मोमून और चीनी सेना के मेजर जनरल झांग बाओकुन ने साइन किए हैं। हस्ताक्षर करने के बाद मालदीव के डिफेंस मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मोमून और मेजर जनरल बाओकुन ने मालदीव को मजबूत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए चीन के सैन्य सहायता के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रिपोर्ट्स की माने तो मालदीव और चीन के बीच हुए इन समझौतों को गुप्त रखा गया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि चीन ने बिना किसी शर्त के मालदीव को सैन्य सहायता देने का वादा किया है। हालांकि ये सैन्य मदद किस तरह की होगी, अभी इस बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इन समझौतों ने चीन की मंशा को लेकर मालदीव की मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा सरकार के फैसलों के चलते चीन मालदीव को कर्ज के जाल में फंसा सकता है। इसके अलावा चीन और मालदीव के बीच चीन के रिसर्च करने वाले जहाज जियान यांग होंग 3 को लेकर भी समझौता हुआ है। यह जहाज हाल ही में मालदीव पहुंचा था। इसे चीन का जासूसी जहाज भी कहा जाता है। चीन का यह जहाज बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स और रिसर्च सर्विलांस तकनीकों से लैस है। चीन ने इसे साल 2016 में बनाया था। इसका वजन करीब 4300 टन है। यह नवीनतम सर्वेक्षण और निगरानी तकनीकों से लैस है। नौसेना के सूत्रों के मुताबिक समुद्र तल की मैपिंग की मदद से चीन हिंद महासागर में पनडुब्बी संचालन भी कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले ड्रैगन के जासूसी जहाज को एंट्री दी और अब मालदीव और चीन के सैन्य समझौते ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। दावा है कि चीन समुद्र में रिसर्च के नाम पर भारत की जासूसी करने के लिए इन जहाजों का इस्तेमाल करता है। समुद्र में चीन की इस तरह की हरकत का भारत शुरुआत से विरोध करता रहा है। बता दें कि 29 मई को मालदीव में भारतीय सैनिकों को रिप्लेस करने के लिए टेक्निकल कर्मियों का पहला बैच मालदीव पहुंच गया था। मालदीव की रेस्क्यू यूनिट में इन सैनिकों की जगह भारत का ही टेक्निकल स्टाफ ऑपरेट करेगा। इन समझौतों का पहला चरण 10 मार्च को पूरा हो जाएगा। दावा है कि मालदीव में करीब 85 से 88 भारतीय सैनिक हैं। ये 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन संभालते हैं। बता दें कि मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मुइज्जो ने इंडिया आउट का नारा दिया था, जिसके बाद उनकी सरकार बनते ही उन्होंने भारतीय सैनिकों को मालदीव से जाने का आदेश दिया है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।